सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल की जयंती 25 अगस्त को धूमधाम से मनाई गई। जयंती को भव्य बनाने के लिए सिंधी समाज के लोग पूरी आस्था के साथ जुटे रहे। इस अवसर पर सिंधी युवाओं द्वारा ज्वलंत मुद्दों पर निकाली जाने वाली झांकियां सिर्फ सिंधी समाज के लिए ही नहीं बल्कि सभी जाति धर्म के लिए आकर्षण का केंद्र रही। झूलेलाल जयंती के वार्षिक महोत्सव के मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, गोरखनाथ मंदिर के प्रतिनिधि के तौर पर द्वारिका तिवारी सहित झूलेलाल समिति अध्यक्ष अर्जुन वालानी ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झूलेलाल जयंती के वार्षिक महोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत 16 अगस्त से ही शुरू हो गई थी। 25 अगस्त को गोरखनाथ क्षेत्र स्थित झूलेलाल मंदिर में सिंधी समाज के लोग आस्था, श्रद्धा और भक्ति के माहौल में झूलेलाल की पूजा अर्चना कर श्रद्धा के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। श्री झूलेलाल समिति के अध्यक्ष अर्जुन वालानी ने बताया कि महोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा गोरखनाथ क्षेत्र स्थित श्री झूलेलाल मंदिर से निकली, जो जटाशंकर, आर्य नगर, बख्शीपुर, बैंक रोड होते हुए विजय चौराहे पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा को परंपरागत रूप से ज्वलंत विषय से संबंधित झांकियां शामिल की हुई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्री झूलेलाल समिति के अध्यक्ष अर्जुन वालानी ने कहा, दर्शन कराते हुए यहाँ बड़े धीरे धीरे विमान को पीछे लाए। नचकर बोलो अमर लाल की। कृपया वाहन को जाने दें, आप लोग रास्ता छोड़ दें। जिन अधिकारियों की ड्यूटी है माला के लिए तैयार रखे, मैं कौशल बोलता जा रहा हूँ।
आर्जुन मलानी अध्यक्ष झूलेलाल कमेटी गोरखनाथ। झूलेलाल महोत्सव में 69वें वर्ष में हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी झूलेलाल महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये हमारा 69वां वर्ष है। हमारे मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज आने वाले थे, दुर्भाग्यवश आज जेटली जी के निधन की वजह से वो दिल्ली में है। श्री सीताराम जायसवाल जी महापौर गोरखपुर हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि द्वारिका तिवारी। झूलेलाल मंदिर से ये कार्यक्रम शुरू होकर के हमारा जुलूस शोभा यात्रा प्रशासनिक अधिकारियों से जटाशंकर अली नगर बख्शीपुर होते हुए बैंक रोड विजय चौराहा ड्यूटी लगाई गई है गोलघर के बाद बर्ड घाट पे जाके समाप्त होता है। इसमें तरह तरह नए झूलन जो भी टॉपिक होते हैं उसमें बच्चे निकालते हैं। इस बार धारा 370 विशेष है, कश्मीर का एक मुद्दा उस पर भी झांकियां हैं, वो सभी आपके सामने अभी बारी बारी से आएंगे।